गोरखपुर उत्तर प्रदेश में 63 बच्चे मारे गए, वो भी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में। क्यों? क्योंकि वहां पर ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी हो गई थी या ऑक्सीजन सिलेंडर खत्म हो गए थे। अब इसके पीछे भी एक कारण है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले हम बात करते हैं मसीहा की। मीडिया ने और वहां के कुछ लोकल चैनल्स ने और न्यूज़पेपर्स ने वहां जिस वार्ड में ये बच्चे हुए उस वार्ड के इंचार्ज डॉक्टर कफील अहमद को मसीहा बना दिया, हीरो बना दिया, क्योंकि वो डॉक्टर 3 सिलेंडर कहीं से ला करके खड़ा हो गया मीडिया के सामने कि वो बच्चों को बचा रहा है। बच्चों के लिए बहुत ज्यादा वो चिंतित है और रोते बिलखते अपने दूसरे बच्चों के माँ बाप के साथ वो खड़ा हो गया। उसने फोटो खिंचवाई, 3 सिलेंडर दिखाए कि वो अपने दोस्त के जो है क्लिनिक से सिलेंडर लेकर के आया है। अब आखिर वो सिलेंडर कहाँ से लेकर आया था ये आपको पता चलेगा बाद में, क्योंकि उस समय तो वो बन गया हीरो, उस समय मीडिया ने उसे बना दिया मसीहा। लेकिन जिस तरीके से मीडिया ने उसे हीरो बनाया, सोशल मीडिया ने उसे जीरो बनाते हुए जॉनी लीवर बना दिया। जी हाँ, असल में वो सिलेंडर चोरी के सिलेंडर थे जो कि उसी अस्पताल से चोरी गए थे, ऐसा मीडिया और सोशल मीडिया में खबरें आ रही हैं। बहुत से लोगों ने ट्वीट्स किए हैं, पोस्ट किए हैं, इवन अब कुछ न्यूज वेबसाइट्स और मीडिया में भी बातें आनी चालू हो गई हैं कि असल में जैसे हीरो बनाया गया वही डॉक्टर उन मौतों का जिम्मेदार है, उसी की लापरवाही, घोटाले, धांधली और चोरी की वजह से ये बच्चे मरे और वहां पे ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी हुई। तो यहाँ पर ऑक्सीजन सिलेंडर के घोलमाल और खरीद फरोख्त का भी मामला सामने आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, इतना ही नहीं, ये डॉक्टर जो है इसका एक अपना रुस्तमपुर में प्राइवेट क्लिनिक भी है, इसका नर्सिंग होम भी है। वहां पर इस जो है सरकारी अस्पताल के सिलेंडर्स चले जाया करते थे और ये जो 3 सिलेंडर अपने दोस्त के यहाँ से लाना बता रहे हैं ये असल में वहीं से लेकर के आए थे। वैसे एक जो है सरकारी कर्मचारी अपना प्राइवेट नर्सिंग होम चला नहीं सकता, एक जो है सरकारी डॉक्टर, ये जो है रूल्स के खिलाफ है, सरकार के खिलाफ है, इसकी जांच होनी चाहिए। इसी के साथ साथ ये डॉक्टर जो है कोई दोषमुक्त नहीं है, पहले से इनके ऊपर केस चल रहे हैं। आप देख सकते हैं, मुझे सोशल मीडिया में मेरे एक गोरखपुर के मित्र ने एक पेपर का जो है ये भेजी है कटिंग, इसमें इन्होंने 15 मार्च 2015 को अपने नर्सिंग होम, प्राइवेट नर्सिंग होम में एक महिला को बुला करके अपने भाई के साथ मिलकर उसका दुष्कर्म किया था, जिसका केस चल रहा है, आप देख सकते हैं। इसी के साथ साथ ये डॉक्टर जो है अखिलेश भैया के बहुत बड़े फैन हैं। इन्होंने चुनाव के पहले अखिलेश यादव को बड़ा समर्थन दिया था, उनके समर्थन में ट्वीट्स किए थे, उनको राय दी थी, आप देख सकते हैं अपने ट्वीट्स में ये राय देते दिख रहे हैं अखिलेश यादव को। इट्स दैट वी जस्ट वांट अखिलेश टू कम बैक, यू हैव टू सेव कंट्री, अस यू सेड आई रिमेंबर दोस वर्ड्स, हैव कंट्री फ्रॉम अमित शाह, सेव कंट्री फ्रॉम अमित शाह एंड मोदी। इसके साथ साथ ये डोनाल्ड ट्रंप तक भी जा पहुंचे हैं और आप देख सकते हैं कि ये अपने ट्वीट्स में जो है राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को प्रमोट करने के लिए राय देते दिख रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो षड्यंत्र रचा गया इस जो है घटना के बाद योगी सरकार और बीजेपी सरकार पर निशाना साधा गया कि उनकी लापरवाही के कारण ये मौतें हुई हैं। असल में ये मौतें वहां के प्रिंसिपल राजीव मिश्रा, उनकी वाइफ पूर्णिमा और इस डॉक्टर कफील अहमद की लापरवाही, घोटाले और गलत खरीद फरोख्त के कारण ही हुई। जो कंपनी इन सिलेंडर्स को मुहैया करवाती थी, इनके साथ टाई अप था, उसका जो है उसका काम जो है बैन कर दिया गया, उस कंपनी को निरस्त करते हुए उसको ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया और एक दूसरी अपनी मनमर्जी की कंपनी को हायर कर लिया गया ताकि इनको कमीशन मिल सके, क्योंकि ये डॉक्टर जो है उस कमेटी का भी इंचार्ज है जो कमेटी दवाई और उपकरणों की खरीद फरोख्त करती है, उसके ये इंचार्ज थे। और अब इस डॉक्टर को और प्रिंसिपल को जो है हटा दिया गया है, इस जो है प्रिंसिपल राजीव मिश्रा की जगह दूसरा प्रिंसिपल लाया गया है, क्योंकि अब इसके बाद वहां के स्टाफ मेंबर्स का कहना है कि इन तीनों की टिकड़ी काम करती थी, राजीव मिश्रा, उनकी बीवी पूर्णिमा और इस डॉक्टर कफील अहमद की, और कोई उनके खिलाफ बोल नहीं पाता था। लेकिन अब सारा का सारा मामला सामने आ रहा है। मेरे कुछ सोशल मीडिया के मित्रों ने मुझे ये फोटोज भेजे, मुझे ये स्नैपशॉट भेजे, ये पेपर की जो है भेजी कटिंग, और ये बताया कि असल में ये मामला क्या है और ये डॉक्टर जो हीरो बना फिर रहा है यही इस घोटाले और इस जो है सिलेंडर्स की कमी और इस जो है लापरवाही के पीछे जिम्मेदार है। तो मैं सरकार से चाहूंगा कि कड़ी से कड़ी जांच हो और पूरी जांच होने के बाद जो इस लापरवाही के जिम्मेदार, इस मौतों के जिम्मेदार हैं उनको सही सजा दी जाए। इसी के साथ दोस्तों, ये वीडियो आने के बाद हो सकता है मुझे धमकियां आनी चालू हो जाए, क्योंकि मेरे पुराने वीडियोस के बाद मुझे धमकियां मिलनी चालू हो गई थी। वीडियो डिलीट करने के लिए मुझ पर दबाव बनाया गया, इस वीडियो के बाद भी मुझ पर दबाव बनाया जाएगा कि वीडियो डिलीट करो, लेकिन वीडियो तो डिलीट नहीं होगा,
क्योंकि अगर हम डरते होते तो हम अपलोडर नहीं होते, वीडियो तो बन गया है, वीडियो हम डिलीट करने के लिए अपलोड नहीं करते हैं, आपको एक्सपोज करने के लिए करते हैं। जब तक के लिए नमस्कार।